विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच स्थानीय मांग बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में गुरुवार को सरसों और बिनौला तेल की कीमतों में सुधार का रुख रहा। बेपरता कारोबार की वजह से सीपीओ के भाव में सुधार दिखा। इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन सहित बाकी तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित रहे। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 2% की तेजी रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज में सामान्य कारोबार हुआ। सूत्रों का कहना है कि सीपीओ के मुकाबले पामोलिन कहीं सस्ता है। मलेशिया में पामोलिन के मुकाबले कच्चा पाम तेल सीपीओ प्रति टन $50 अधिक बैठता है। जाड़े में सीपीओ की लिवाली कम होती है, लेकिन छिटपुट लिवाली के बीच बेपरता कारोबार के कारण सीपीओ में सुधार है। सूत्रों का कहना है कि सलोनी शमशाबाद में सरसों के भाव में 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है और यहां भाव 8,200 रुपये से बढ़कर अब 8,400 रुपये क्विंटल हो गए हैं। कच्ची घानी की मिलों ने 6 से 8 रुपये लीटर के हिसाब से दाम बढ़ाए हैं। इसके साथ सरसों की उपलब्धता कम होने से सरसों तिलहन में सुधार है। सूत्रों का कहना है कि अभी आने वाली नई सरसों के लिए और उसके तेल में हरेपन की समस्या को दूर करने के लिए भी पुराने सरसों की आवश्यकता होगी। सरसों की परिपक्व फसल मार्च के आरंभ में आने की संभावना है। वैसे तो बरसात सरसों के लिए अच्छी है, पर इसकी वजह से सरसों के आने में कुछ देरी भी हो सकती है। सूत्रों ने कहा है कि नमकीन बनाने वाली कंपनियों की गर्मियों में सीपीओ की मांग होती है और इसके लिए जाड़े में बिनौला तेल की मांग होती है। नमकीन बनाने वाली कंपनियों की बिनौला तेल की मांग निकलने से बिनौला तेल के भाव में भी सुधार दर्ज हुआ है। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलन, पामोलिन और बाकी अन्य तेलों के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।